Hello everyone, I am Nisha Agarwal from Anant Ved Vastu. I am tarot card reader and Vastu consultant. आज हम दोबारा से एक वीडियो लाए हैं आपके लिए पिकअप कार्ड. पिकअप कार्ड मीन्स कि आपने इन दो ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट करना है जिसके साथ भी आपको कनेक्शन फील हो. ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. इन दोनों ग्रुप में से जो भी ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में वीडियो में सुनने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन टाइम स्पैन के अकॉर्डिंगली भी वीडियो को सुन सकते हैं. आज का हमारा क्वेश्चन है पिकअप कार्ड के लिए कि हमारे रिलेशनशिप फियर्स क्या हैं और हम उनसे ओवरकम कैसे करें. सो अब हम देखते हैं कि दोनों ग्रुप में से जो भी ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है, ग्रुप ए या ग्रुप बी, उसके बारे में अब हम जानते हैं. जिन लोगों को रिलेशनशिप फियर्स हैं वो क्यों हैं और आप उनसे कैसे ओवरकम करेंगे वो जानते हैं ग्रुप ए के लोगों के लिए. तो जिन लोगों ने ग्रुप ए सेलेक्ट किया है उनके लिए हमने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं. तो जानते हैं कि रिलेशनशिप में आने के लिए या रिलेशनशिप से जुड़े क्या फियर्स हैं. सबसे बड़ा फियर है आपका कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ गए, आपने रिलेशनशिप में एंटर कर लिया, तो आप उसमें स्टे करने से या एंटर करने से भी इसलिए भी डरते हैं बिकॉज कि आपको लगता है कि आप अगर उस रिलेशन में अच्छे से इन्वॉल्व हो गए, आप दूसरे पर ट्रस्ट करने लग गए और धीरे धीरे जब वो रिलेशनशिप पूरी तरह से डेवलप हो गया तब कहीं उस रिलेशनशिप में कोई गैप ना आ जाए या वो इंसान आपको छोड़कर ना चला जाए. थ्री ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारा सेलिब्रेशन और साथ में दूसरे का उस रिलेशन के साथ मूव ऑन कर जाना. चाहे वो सिचुएशनल चेंजेस हो या इंटेंशनल, बट ये सिचुएशन हमेशा आपके मन में डर का कारण बनी रहती है. सेकेंडली, आपको ये भी डर है कि चाहे वो रिलेशन पूरी तरह से एंड ना हो, डिसॉल्व ना हो, पर ये भी रीज़न है कि आपको लगता है कि उस रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन अराइज होगा, धीरे धीरे कमियां निकलेंगी और उन कमियों को पूरा नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे रिलेशन एंडिंग स्टेज तक पहुंच ना जाए. द वर्ल्ड कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको फियर ऑफ कंप्लीशन है. आपको डर लगता है कि वो रिलेशन पूरा होगा भी या नहीं. आपको लगता है कि कहीं कर्मा इफेक्ट ना करें, आपको लगता है कि कहीं बिहेवियर इश्यूज ना हो, आपको लगता है कि कहीं उस रिलेशन में हैंडलिंग इश्यूज ना हो बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून इज अवर कार्मिक कार्ड. सो यू आर इन अ काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस. आपको लगता है कि अभी तो मुझे बहुत सीखने की जरूरत है, अभी तो मैं उतना शायद मैच्योर नहीं हूँ या इस रिलेशन में इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो थोड़ा समय देते हैं. तो वो बहुत ज़्यादा समय देने के चक्कर में आपको एक फियर धीरे धीरे वो बहुत हायर स्टेज तक डेवलप हो जाता है. अब उन फियर्स का इफेक्ट ये आया है टेम्परेंस कार्ड के फॉर्म में कि रिलेशनशिप में एक्सट्रीम कॉम्प्रोमाइजेस, एक्सट्रीम एडजस्टमेंट्स होने लगे हैं. रिलेशनशिप बैलेंस करने के चक्कर में बहुत एफर्ट्स आ रहे हैं, बहुत एफर्ट्स स्टार्ट हो गए हैं और कहीं बिकॉज ऑफ द डेविल कार्ड अपनी ही डिज़ायर्स को सप्रेस करना, उस रिलेशनशिप में बहुत सफोकेशन फेस करना स्टार्ट हो गया है. तो टेम्परेंस एंड द डेविल कार्ड शोज कि कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप बहुत सफोकेटेड होता जा रहा है. एट द एंड इट बिकम्स नेसेसरी कि उस रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी और अपने ही थॉट्स क्लियर नहीं है तो दूसरे को तो हम क्या ही समझाएंगे. जब तक हम खुद किसी भी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं होते हैं, हम किसी को कुछ अपनी बात भी समझा नहीं पाते हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि हम एस ऑफ पेंटकल्स एंड पेज ऑफ पेंटकल्स को फॉलो करें. मीन्स कि हम प्रैक्टिकल कॉन्शियस लेवल पर सोचें, दिल की नहीं दिमाग की सुने. कॉन्शियस लेवल पर अवेयरनेस के साथ डिसीजन लें, वाइज डिसीजन लें,
अपने रिलेशनशिप को वाइजली समझें, नई शुरुआत करें पूरी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के साथ, एफर्ट्स के साथ। ऑनेस्ट एफर्ट्स जो भी आप पुट ऑन करेंगे इस किसी भी रिलेशनशिप में, वो आपको हेल्प करेगा टू ओवरकम योर फियर्स। जितना आप कॉन्शियस लेवल पर सोचेंगे, वाइज डिसीजन लेंगे, ऑब्जर्वेंट बनेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट केयरफुल रहेंगे, बिकॉज पेज कार्ड्स की पर्सनैलिटी होती है केयर फ्री नेचर, केयरलेस हो जाना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। बट पेज ऑफ पेंटकल्स ऑलवेज शोज कि आपको जो भी चीज आप कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस्ड रहना है। तो आपने ऑब्जर्व करना है, केयरफुल रहना है वाइल हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो आप देखते हैं ग्रुप बी, जिन लोगों ने ग्रुप बी सेलेक्ट किया है उनके कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। तो हियर आर द कार्ड्स। ग्रुप बी जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके रिलेशनशिप फियर्स हैं। आपको रिलेशनशिप में ये डर है कि कहीं सब कुछ मैनेज करने के चक्कर में अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो जाएं, आप अपने एम से भटक ना जाएं, या सिर्फ दिखावे भर का रिलेशनशिप ना रह जाए। आपको कुछ ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ इग्नोरेंस है, उस तरीके से अटेंशन और केयर नहीं है जो होनी चाहिए। तो ये सब फियर्स आप कैरी करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटकल्स, सेकेंड ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सभी कार्ड शो कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आप तो 100% एक रिलेशनशिप में दे देंगे, पर वो 100% के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपनी दूसरी चीज़ों को, लाइफ के दूसरे एरिया में उनको आप नेग्लेक्ट कर दें। आपकी प्रायोरिटी रिलेशनशिप बन गया तो बाकी चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी। तो आपको किसी तरीके की इग्नोरेंस का, अटेंशन का, केयर का डर है। कुछ छूट ना जाए क्योंकि चाहिए सब कुछ। नाइट ऑफ सोर्ड्स इंडिकेट्स कि आपको सब चीजें चाहिए, सब तरीके से आप फ्लरिश करना चाहते हैं। अचानक ही थॉट्स का नेगेटिव पैटर्न बनता चला जाता है, खुशियां सपने सी लगने लगती हैं। बेसिकली आप जैसा चाहते हैं वैसा रिलेशन डेवलप होता चला जाएगा, बिकॉज फोर ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट्स आपका कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट पैटर्न, कि एक टाइम के बाद आप उस रिलेशनशिप के लिए आपको डर रहता है कि मैं उसमें एफर्ट डाल नहीं पाऊंगा, उसको इतना समय दे नहीं पाएंगे हम, और वो रिलेशन खत्म ना हो जाए। तो जैसा आप चाहोगे वैसा रिलेशन आप डेवलप कर सकते हो, पर बिकॉज ऑफ द नाइन ऑफ कप्स, इट इज द विश कार्ड। जैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है, जैसा आपके इनर मोस्ट फीलिंग्स है उस रिलेशन को डेवलप करने के लिए, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव, वैसा ही रिलेशन एक्चुअल में वो बनने वाला है, वैसा ही रिलेशन आप क्रिएट करेंगे। इसलिए आपके लिए ये गाइडेंस है, आपके लिए ये एडवाइस है कि आपको सेवन द चैरियट एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स, इन दोनों को अगर हम मर्ज कर देखें तो आपको सही और गलत में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, उसी राह पर चलना है, रिलेशन से डरना नहीं है, और आपको ये समझना है कि रिलेशन एग्रेशन से नहीं चलेंगे, प्यार से चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे। गुस्से से या किसी भी कमांडिंग नेचर से आप किसी भी रिलेशन को नहीं चला सकते। एक तरीका ठीक ना लगे तो आप दूसरा फॉलो कीजिए, दूसरा ठीक ना लगे तो आप तीसरा कीजिए। तो यू नीड टू मेक चेंजेस, यू नीड टू मॉडिफाई इन योर बिहेवियर। आपको हर चीज में बदलाव करने की जरूरत है जब तक कि आपको एक सही राह ना मिल जाए। तो अपने रिलेशनशिप फियर से बाहर निकलिए और इन गाइडेंस को फॉलो कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।